हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं भाई हैरियर का डार्क एडिशन। तो 2020 मैन्युफैक्चर, 2 लीटर का इंजन है इसका। तो ऐसी कुछ आपको हैरियर में की मिल जाती है। सारे मतलब टाटा की ज़्यादातर गाड़ियों में, टॉप मॉडल में यही आती है। फ्रंट में इसमें काफ़ी बल्की बल्की सा लुक है, मस्कुलर लगती है काफ़ी। बीच में एक यूनिक सी ग्रिल है ऐसी, यहाँ पे टाटा का लोगो। लाइट्स भी इसकी काफ़ी बढ़िया नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ ये यहाँ पे इंडिकेटर देख रहे हो, ये मल्टीपर्पस वाले हैं। इनमें ना वाइट लाइट भी जलती है और ये इंडिकेटर भी है। तो ऐसी की से अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके प्रोजेक्टर ऑन हो जाएंगे। ये देखो वाइट, थोड़ी ब्राइटनेस कम करें अगर तो ये देखो दिख रहे होंगे। वापस चलते हैं ऊपर, इनको करते हैं बंद। उसके नीचे आपको फॉग लैम्प दिखेगा। अभी हम इसका आपको बोनेट भी खोल के दिखाएंगे। जब तक चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में, थोड़ा सा साइड से लुक देखोगे तो लाइट इसकी इस तरफ तक भी आती है। तो इसमें अगर आप टर्न वगैरह लोगे तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सिर्फ आपको प्रोजेक्टर इसमें LED मिलेगा, बाकी ये हाई बीम और फॉग लैम्प दोनों आपके हेलोजन है। तो थोड़ा सा इस तरफ आए तो ग्रिल आपको दिखा चुका हूं। नीचे की तरफ भी एक ग्रिल है, उसके नीचे नंबर प्लेट, वाइल्ड ड्राइविंग ड्राइवर के लोगो, और वहाँ पे आपकी नीचे की तरफ स्किप प्लेट सी मिल जाती है थोड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है कार का। इस साइड चलें अगर तो यहाँ पे आपको कोई भी फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पे हैशटैग डार्क की बैजिंग दिखती है, जिसके लिए आपको 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टायर्स इसके काफ़ी बड़े आ जाते हैं। अपोलो के टायर साइज़ दिखाऊँ तो 235/65R17 17 इंच के टायर हैं। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है। इसके जो ये ORVMs हैं काफ़ी बड़े हैं। अगर ये हाई स्पीड पे होती है तो आवाज़ अच्छी आती है, इसमें हवा की आवाज़ आती है। दूसरी साइड चलें तो इस साइड भी सेम आपको हैशटैग डार्क की बैजिंग दिखेगी। ये रही ORVMs पे देखोगे तो ऐसे लाइन लाइन वाले डिज़ाइन है। और डोर हैंडल आपको ब्लैक ही मिलेगा क्योंकि डार्क है। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का बटन अनलॉक होते ये भी अपने ओपन हो जाते हैं। क्लोज करेंगे तो ये बंद। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रोम की है कि यहाँ पे बीडिंग दिखती है पूरी, जो हाथ से लेके पूरी लास्ट तक जा रही है। लास्ट में इसमें हैरियर भी लिखा है यहाँ पे। ये रहा इसका यहाँ पे डीजल टैंक। तो एक बार भाई हम फिर से आ गए हैं गाड़ी के फ्रंट में, बोनेट में। जो ये इसका 2000 cc का इंजन है, देख लो इसको अगर थोड़ा सा रैव करें तो ऐसी आवाज़ करता है। देख लो कितना पावरफुल है। इसका डीजल इंजन है 2000 cc का। जो इसके इंजन स्पेसिफिकेशन है वो सारी आपकी स्क्रीन पर लिखी आ रही है। तो अब चलते हैं वापस से पीछे। तो हैरियर का जो फ्यूल टैंक है वो है 50 लीटर का डीजल वाला। तो एक बार इसके पीछे की लाइट देखोगे तो ये देखो, ये दूर से देखने में बड़ी मस्त लगती है। एक बार फिर से इसकी लाइट्स ऑन करके दिखाएं तो ये देखो ऑन हो गई है। ब्राइटनेस डाउन करेंगे तो बड़ी मस्त लगती है दूर से दिखने पे, रात के टाइम में और अच्छी लगती है। पास से देख लो ये पूरी एक यहाँ पे बड़ी सी मोटी सी DRL LED है, मतलब रेड LED। यहाँ पे इंडिकेटर की मिल जाएगी, रिवर्स आपको ये मिलेगी, यहाँ पे टाटा का लोगो, कैमरा और नंबर प्लेट। नीचे आपको थोड़ी सी यहाँ पे नीचे हैरियर की बैजिंग भी दिखेगी। रिफ्लेक्टर्स हैं, डिफॉगर कार में है और रियर वाइपर भी है। ऊपर हाई स्टॉप लैम्प, ये रहा वाइपर और डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प। ऊपर शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स कार में आते नहीं है। इस साइड भी क्रोम की सेम बैजिंग है पूरी। और ये नीचे की तरफ ये रिफ्लेक्टर सा दिखेगा, ये डमी है। पार्किंग सेंसर्स कार में आ जाते हैं 4, ये रे इस साइड भी सेम। तो अब लेके चलते हैं एक बार कार के अंदर। तो भाई एक बार हैरियर का आपको बूट दिखाएं तो यहाँ से अनलॉक कर सकते हो, उठेगा नहीं। यहाँ पे नीचे है इसका मैग्नेटिक बटन। तो बूट स्पेस इसका जितना है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। गाड़ी में 9 स्पीकर आते हैं JBL के। यहाँ पे पीछे इसको इंक्लूड करके ये सबवूफर है पीछे देती है कंपनी। JBL का सिस्टम है इसमें, पावर्ड बाय हारमन। और यहाँ पे कुछ हैंगिंग स्टोरेज आपकी, यहाँ पे 2 किलो तक का सामान टांग सकते हो। यहाँ पे जैक वगैरह सारा सामान आप कुछ रखना हो आपको पर्सनल छुपा उपा के तो रख सकते हो। यहाँ जैक वगैरह आ जाते हैं, स्पेयर टायर नीचे। तो यहाँ पे आपको एक लैंप भी दिखेगा हैलोजन। तो यहाँ पे दिखा दिया, बूट स्पेस आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा। यहाँ पे पार्सल ट्रे भी कार में आती है, ये रही ऊपर भी हो जाती है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल सा मिलेगा पकड़ने के लिए, बंद कर सको जिससे आप। यहाँ पे फिनिशिंग थोड़ी कम देती है टाटा हर उसमें। यहाँ पे आपको हैरियर टाटा के लोगों के नीचे यहाँ पे इसका मैग्नेटिक बटन दिखेगा। तो बूट करते हैं बंद, अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे।
तो ऐसा कुछ डोर मिल जाता है आपको कार का। पास से दिखाएं तो यहाँ पे ये क्रोम का सा तो नहीं है, सिल्वर फिनिश है। यहाँ पे लॉक अनलॉक ओपनर पावर विंडो डाउन और ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, प्लास्टिक ट्रिपल टोन कह सकते हो इसको है इतना। यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे भी स्टोरेज, नीचे भी बॉटल स्टोरेज, उसके नीचे भी स्टोरेज। स्टोरेज के मामले में तो अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कार है। तो बैठते हैं गाड़ी के एक बार अंदर। तो 70 मैट्स गाड़ी में बाहर से डले हुए हैं, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है इसमें। अपने सेगमेंट की तो ये सबसे बड़ी कार है ही। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ आप सामान वामान डाल सकते हो, यहाँ पे भी सामान रख सकते हो। नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, अगर थोड़ा सा नीचे करके मैं आपको दिखाऊं, ये रहा फोकस हो जा, ये रहा। तो इस साइड भी सेम ऐसे ही सिस्टम है सारा, उधर का भी देख लो। यहाँ पे ऊपर आपको एक मिलती है रीडिंग लैंप जो कि है LED। इस साइड यहाँ पे आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी आप कुछ टांग सकते हो। ये ज़्यादातर अब हर गाड़ी में ही आने लगा। और उस साइड भी सेफ्टी के मामले में कार बहुत अच्छी है, सेफेस्ट कार कह सकते हो, 5-star। बहुत हैवी डोर वगैरह इसके काफ़ी हैवी फील होते हैं। अंडर थाई सपोर्ट भी कार का काफ़ी अच्छा है और सीट्स तो इसकी है ही बड़ी। तो अब लेके चलते हैं एक बार फ्रंट सीट पे इसकी। तो भाई ऐसा दिखता है टाटा हैरियर का डार्क एडिशन वाला फ्रंट का डोर। तो ये रहा डोर ओपनर, सेम है पीछे की तरह। तो इसकी जो पावर विंडो है वो फिर ड्राइवर साइड वाली ऑटोमेटिक है, बाकी सारी मैनुअल है। मतलब मैनुअल नहीं, पूरी दबा के रखनी पड़ेगी जब होगी। यहाँ से पीछे की लॉक कर सकते हो। सेम स्टोरेज है यहाँ पे भी, बॉटल होल्डर और उसके साइड में कुछ कपड़े वगैरह रखने हो तो रख सकते हो। ड्राइवर सीट जो है वो मैनुअली एडजस्ट होगी, ऊपर नीचे भी हो सकती है और ऐसे मतलब आगे पीछे भी, और उस साइड से। और इस साइड में यहाँ पे दे रखा लंबर सपोर्ट का ऑप्शन, ये रहा अगर दिख रहा हो तो। तो अब बैठते हैं एक बार गाड़ी के अंदर। तो इसके जो AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा यूनिक सा है, ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है और डोर यहाँ पे कटा हुआ है। इसका डोर की जो फिनिश है वो बड़ी अच्छी है। तो डोर को करते हैं एक बार बंद। तो यहाँ पे देख रहे हो ये सारे आपको ORVM से रिलेटेड कंट्रोल दिख जाएंगे। तो अब मीटर वगैरह की बात करें तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये रहा यहाँ पे इसका पावर स्टार्ट स्टॉप बटन, 1 touch है, क्लिच दबा के रखनी है, स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। उसके बाद ऐसा कुछ आपको इसका एनालॉग मीटर मिल जाता है जिसमें 6000 तक मार्किंग मिलती है, क्योंकि ये डीजल इंजन है। 6000 मार्किंग के बाद इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, सिटी मोड। इसमें स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी आते हैं कार में, फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, कितना फ्यूल है। तो यहाँ पे आपको एक समुंदर सा बना दिखेगा एक, और आपकी हैरियर आपको स्क्रीन पे बनी हुई दिखेगी जो कि वाइट दिख रही है, ब्लैक नहीं दिख रही। इस साइड आपको 220 तक की मार्किंग दिख जाएगी हैंड ब्रेक के साइन के साथ, सीट बेल्ट के साइन के साथ। तो गाड़ी आराम से 180-190 टच कर देगी, उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो पहले टेस्ट करा हुआ है भाई ने जिनकी गाड़ी है। इस साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल, यहाँ पे आप ऑटो भी कर सकते हो, सारी लाइट्स एक साथ भी ऑन कर सकते हो। यहाँ से इसकी मतलब हाई बीम लो बीम को एडजस्ट कर सकते हो, उनको नंबर से भी सेट कर सकते हो। ये रही, इनको छेड़ते नहीं, नीचे की तरफ करोगे तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ऊपर की तरफ करोगे तो दूसरा। और इस साइड है वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, वाइपर रियर भी है फ्रंट भी है तो कर सकते हैं। इसमें कोई हेडलाइट वॉशर नहीं आता, कार से बड़ा अच्छा सा व्यू दिख जाता है, पूरा बोनट नज़र आता है भाई आपको अगर आप देखोगे फॉर्चुनर वगैरह की तरह। बीच में आपको कुछ ऐसी इसकी MID मिल जाती है जिसमें कलर वगैरह चेंज होते हैं। लैगी नहीं है बिल्कुल, मतलब कर रही है वर्क एक बार में, उंगली पे पसीने तो इसलिए थोड़ा वो लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम से रिलेटेड कंट्रोल, वॉल्यूम अप डाउन, होम, यहाँ पे कुछ अपने फेवरेट ट्रैक वगैरह जो आप चला सकते हो, ट्रैक चेंज वो सब कर सकते हो। ये यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, बैग जाने के लिए, यहाँ पे वही फिर से ट्रैक वगैरह या फिर कुछ अपनी सेटिंग चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपको फॉग लैंप से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ये डबल इंडिकेटर पार्किंग लैंप वाले जो रहते हैं उनके कंट्रोल मिल जाएंगे। इस साइड आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक मोड, इकोनॉमी ड्रैग मोड एक्टिवेटेड। ये देखो कार अपने आप बता देती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट ड्रैग मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट्स पे आ गई। अगर दोनों को बंद कर दोगे सिटी ड्रैग मोड तो अपने आप सिटी पे लग जाएगी। और अब बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो भाई कार में पावर ही इतनी है कि स्टीयरिंग अपने आप हमें ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेट कर रहा है, बड़ा मस्त लग रहा है। और एक बार देखो अगर हम रेव करेंगे तो कितनी मस्त तरीके से ऊपर जाएगा, देखो ये देखो। तो बीच में आपको यहाँ पे टाटा का लोगो दिख जाता है, एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और यहाँ पे से ट्रैक चेंज कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, कॉल पिक
कॉल कट और वॉइस कमांड का भी कंट्रोल है। इस साइड सारे आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सारे अपने बटन्स। तो क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन आता है क्योंकि टॉप मॉडल है और ये डार्क वाला है, तो इसमें आपको 25,000 एक्स्ट्रा देने पड़े हैं इस चीज़ के। 25,000 सिर्फ आपको एक हैशटैग डार्क की बैजिंग के और बाकी अपने सीट्स कवर। जो सीट कवर हैं ये भी इसके काफ़ी यूनिक हैं, ब्लैक हैं, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी दिखने में। देख लो एक बार, 70 मैट्स इंस्टॉल हुए हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज सी दिख जाएगी ऐसे, और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारे दिख जाएंगे। ये भी आपको सारे चेंज होके दिखेंगे। वेट मोड एक्टिवेटेड, ये भी बताएगा। रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड। उसके बाद सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी। और अब जरा मीटर में देखना, इसकी सारी चीजें दिखती हैं। वेट मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। कैसे, मतलब एनिमेशन भी चेंज हो रही है सारी की सारी जो जो इसमें बता रहे हैं जैसे हम चेंज करते हैं। तो भाई उस साइड चले थोड़ा, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इसका ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर भी लाइट है। तो जो इसका डैशबोर्ड है वो कूल्ड वाला तो नहीं मिलता। हाँ, इसमें स्टोरेज काफ़ी अंदर तक है, लाइट भी मिल जाएगी आपको। कूल्ड जो इसमें मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट। इसको अगर हम ओपन करें तो ये कूल्ड है, देख लो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है इसमें। और यहाँ पे दो नहीं तीन तो आप कप वगैरह रख सकते हो आराम से। और इस साइड आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेंगे, ESP ऑन ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल HTC कहते हैं शायद इसे, और छः गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर आता है। एक रिवर्स, जो कि रिवर्स इसका ऐसे दबा के लगेगा। और हैंड ब्रेक देखो कार का जरा, ये देखो जेट स्टाइल, जेट स्टाइल कहते हैं इसको, मतलब जेट में ऐसा कुछ सिस्टम सा रहता है। तो ये देखो नीचे हुआ, ये ऊपर आया। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे AC के कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC है कार में। यहाँ से ऑन कर दो ऑटो ऑन। तो फैन स्पीड अभी करते हैं कम, फैन स्पीड एक पे देखो, फैन स्पीड के भी यहाँ पे आपको कंट्रोल दिखेंगे कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 तक जा सकती है, बहुत तेज़ हो जाती है। उसके बाद विंड नॉइस आने लग जाती है। ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता। दूसरी तरफ चलें तो यहाँ पे वैनिटी मिरर है, वो भी लाइट के साथ दो दो। तो इसे करते हैं बंद। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है जिसमें सनग्लास रखे भी हुए हैं। यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लाइट ऑन भी कर सकते हो, LED है। यहाँ से आप पीछे देख लो तो रियर व्यू काफ़ी अच्छा आ जाता है। ये भी देख लो इस साइड, उधर भी। तो ये जो विंडोज़ की साइड वाले ORV में बड़े, बहुत बड़े हैं भाई, बहुत बड़े हैं। तो एक बार इन्हें बंद करके दिखाऊं, देखना है बंद होंगे अभी। ये इसको दबाए रखना पड़ता है, उसके बाद ये बंद होते हैं, ऐसे खुल भी जाते हैं। तो भाई ये था हमारा रिव्यू। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम आपको इस कार के ओनर से मिलवाएंगे, तो ड्राइव एक्सपीरियंस की भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।